फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉमर्स किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं फूल कचरी, जो गर्मी आ चुकी है, बारिश में कभी कभी सब्जी नहीं मिलती है और हमें डिफरेंट खाने का मन करता है, तो मैंने कहा कुछ नया हो जाए, ये फूल कचरी बनाना आपको सिखाई थी। देखिए, तीन चार दिन हो चुके हैं और हमारी फूल जो कचरी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फूल दिख रहा है। और मैं पलटा के दिखा रही हूँ, ये अंदर तक अच्छे से सूख चुकी है और मैंने इसे तल के रखा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि तलने के बाद कितनी अच्छी और हर तरह से, ये आप इसको तोड़ के देखेंगे तो आपको आवाज आ रही है। आप इसको हाथ से, मैं ये दिखा रही हूँ कि कितनी आवाज आ रही है और ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइएगा कैसी लगी। कॉमर्स किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द नया वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। फूल कचरी बनाने के लिए हमें 2 लीटर पानी लिया है, तो उसमें 1/2 किलो आटा चाहिए होगा और हमें नमक है वो स्वाद अनुसार डालना है। ये पानी मेरा गर्म हो चुका है और जो ये हम चानिया डालते हैं उसे हमें सिर्फ 25 ग्राम डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपकी जो कचरी है फूल कचरी वो थोड़ी लाल हो जाएगी। ये मैंने 25 ग्राम, और यदि आप ग्राम से न नापे तो एक बड़ा चम्मच ले सकते हैं। अब ये मेरा पानी गर्म हो गया है, इसमें मैं चावल आटा डालती जाऊंगी और कंटिन्यू चलाती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊंगी और इसे चलाते जाना है, ताकि इसके जो लम्स हैं वो खत्म भी होते जाएं। और ज्यादा उबालते हुए पानी में नहीं डालिएगा, क्योंकि बहुत लम्स पड़ जाएंगे और खत्म ही नहीं होंगे लम्स। आप देख रहे हैं कि मैं इसे तुरंत ही आटा गाढ़ा हो गया, आटे ने पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें ऐसे से करके उसके जो लम्स हैं वो खत्म कर देने हैं। सारे लम्स खत्म हो चुके हैं। अब इसे हम कम आंच पे 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सिज जाए। आप देख सकते हैं कितना टाइट आटा है, ऐसे ही करना है ताकि इससे फूल हमारे अच्छे टिकते हैं। थोड़ा भी नरम आटेपन बनाने पर हमारे फूल है वो बिगड़ जाते हैं, वो अच्छी साइज में नहीं खड़े होते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे सिजने के लिए रख दूंगी 5 मिनट के लिए। देखिए, फूल कचरी बनाने का ये सांचा है, आपको सांचा ना हो तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फूल बनता है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने बैग बनाया है ट्राइंगल घर पे, और इसे आपको इस पोटली में कैसे डालना है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने कपड़े की पोटली बनाई है, नहीं तो आप पाइप एंड बैग भी मार्केट से खरीद सकते हैं। इसे अच्छी क्वांटिटी में भर देना है हमें। और ये देखिए, हमने इस पोटली में अच्छे से स्टफ कर लिया है, एक एक करके फूल कचरी कितनी सुंदर तरीके से निकलती जा रही है, मात्र एक कटोरी से पूरी। देखिए, इतने थोड़े से सामान में यदि आपकी इतनी सारी कचरियाँ बन रही हैं, तो आप क्यों ना अपने घर पे बनाएंगे। इसे 2-3 दिन उलटते पलटते हुए सुखाना है, जितनी अच्छी सूखती है उतनी ज़्यादा वो फूलती है। और आप देखिए, हमारे 4 दिन मैंने इसे कंटिन्यू धूप में सुखाया और ये सूख के तैयार हो गई है। मैं आपको अभी तल के दिखा रही हूँ, ये कितनी छोटी सी कचरी फूल के कितनी बड़ी हो गई है। और आप देखिए, ये तली हुई कचरी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सी क्वांटिटी में दिख रही है। मैं आपको हाथ से आपको चूरा करके दिखा रही हूँ, कितनी करारी सी आवाज़ कर रही है। मैं ये देखिए हाथ से तोड़ी और आपको करारी सी आवाज़ आ रही है। इस तरह की कचरी आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें।